दोस्तों रतन टाटा को कौन नहीं जानता। रतन टाटा की कही हुई बातें हमारे जीवन में बहुत काम आने वाली है। रतन टाटा दिल के बहुत बड़े दानी हैं। उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव हुए हैं, मगर उन्होंने कभी हार नहीं मानी है। उनकी पत्नी नहीं है, यहां तक कि उनके कोई बच्चे नहीं है, मगर वे भारत से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो दोस्तों आज रतन टाटा के कही हुई बातों से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है। आज रतन टाटा खुद लोगों के रोल मॉडल हैं। कोई भी लोहे को नष्ट नहीं कर सकता है, लेकिन उसका अपना ही जंग उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह कोई भी किसी व्यक्ति को बर्बाद नहीं कर सकता है, बल्कि उसकी अपनी ही मानसिकता उसे बर्बाद कर सकती है। दुनिया में करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, फिर भी सबको अलग अलग परिणाम मिलते हैं। दरअसल इन सब के लिए मेहनत करने का तरीका जिम्मेदार है, इसलिए व्यक्ति को मेहनत करने के तरीके में सुधार करना चाहिए। दोस्तों पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी की धार देखने की आवश्यकता होती है, इसलिए जब 8 घंटे में पेड़ काटना हो तो 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाने पर सफलता होने के अवसर कई गुना बढ़ जाते हैं। वह व्यक्ति जो दूसरों की नकल करता है कुछ समय के लिए तो सफल हो सकता है, परंतु जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं हमेशा लोगों से यही कहता हूं कि हमेशा सवाल ऐसे पूछें जो कभी किसी ने ना पूछे हो। नए विचारों को आगे रखें, नए आइडिया पर तर्क करें, ताकि हमारी यह दुनिया और बेहतर बनाई जा सके। ऐसी कई चीजें हैं जो अगर मुझे दोबारा जीने का मौका मिले तो शायद मैं अलग ढंग से करूंगा, लेकिन मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा कि मैं क्या नहीं कर पाया। किसी भी काम के प्रति हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी हमारी असफलता का कारण बनती है। मैं निश्चित रूप से पॉलिटिक्स में नहीं शामिल होऊंगा। मैं एक साफ सुथरे बिजनेसमैन के तौर पे याद किया जाना पसंद करूंगा। रतन टाटा ने क्या खूबसूरत लाइनें कही है, उन हजारों पत्थरों को अपने पास रख लें जिसे लोग आप पर फेंकते हैं, और फिर उन पत्थरों का इस्तेमाल कर उनसे एक ऐसी इमारत खड़ी करें कि दुनिया आपकी तरफ देखे। अगर आप तेजी से चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ मिलकर चलिए। केवल पैसा और शोहरत कमाना ही काफी नहीं है। सोचिए जब आपका किसी से ब्रेकअप हो तो उस दिन कंपनी में प्रमोशन कोई मायने नहीं रखता। जब आपकी पीठ में दर्द हो, कार ड्राइविंग करने में कोई आनंद नहीं आता। जब आपका दिमाग में टेंशन हो तो शॉपिंग करने में भी कोई मजा नहीं आता है। ये जीवन आपका है, इसीलिए इसे इतना भी गंभीर मत बनाइए कि हम जिंदगी ही खो बैठे। तो दोस्तों रतन टाटा ने जो कही है उन्हें 1% भी आपने अगर फॉलो कर लिया तो जिंदगी में आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता है।